दिल में अगर हो उम्मीद, पत्थर भी पिघलते हैं। दूर किनारे मिलते हैं, दूर किनारे मिलते हैं, दूर किनारे मिलते हैं। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मिस अंजलि को इन झूठे सबूतों को पेश करने के जुर्म में उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मिलोर्ड, ये वीडियो मैंने चंडीगढ़ की लैब से जांच करवाया है। अदालत की आज की कार्रवाई यहीं खत्म होती है। अब तुम्हें यहाँ बुलाने के पीछे भी तो मेरी राजनीति ही थी, इस घर पर राज करने की राजनीति। लापरवाही की भी हद होती है। सुबह से शाम हो गई, उन दोनों का अब तक कुछ पता ही नहीं चला। प्रताप ने मेरा फोन भी नहीं उठाया। क्या हुआ होगा कोर्ट में? कहीं भवानी के साथ? हे भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ। हाँ प्रताप, भवानी क्या हुआ बेटा? भवानी तुम तो, प्रताप क्या हुआ? मैं कब से तुम्हें फोन लगा रही थी, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? बताओ तो सही, क्या हुआ कोर्ट में? सॉरी माँ, वो कोर्ट में था, फोन साइलेंट पे था, कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी। ऊपर से अंजलि के चक्कर में सब कुछ भूल गया, मैं आपको फोन करना भी भूल गया। चक्कर? कैसा चक्कर? साफ साफ बताओ हुआ क्या? रिवॉल्वर पे जो उंगली के निशान थे ना, अब उसकी जांच होगी। लेकिन प्रताप, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमने पुलिस को मैनेज कर लिया है। मां टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो हुआ ये कि कोर्ट में उसने अपील कर दी कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। जज ने बात मान ली। क्या क्या कह रहे हो तुम प्रताप? अगर रिपोर्ट में उंगलियों के निशान साबित हो गए तो मेरा प्रताप? नहीं प्रताप, भवानी तो गए और तुम सब देखते रह जाओगे। आप चिंता मत कीजिए माँ, कुछ नहीं होगा भवानी को। कैसे कुछ नहीं होगा? बाल भी बाका नहीं कर सकता उसका कोई। बस प्रताप बस, बड़ी बड़ी बातें मत किया करो, क्योंकि इस बार जांच कोर्ट की तरफ से होगी। और माँ मैंने बोला ना, टेंशन मत लीजिए। रिवॉल्वर पे जो उंगली के निशान थे, पुलिस वालों ने उन्हें मिटा दिए हैं। सारे निशान मिट चुके हैं। जो निशान एक बार मिट जाते हैं, वो दोबारा नहीं आते माँ। बस एक बार ये वीडियो की जांच हो जाए, उसकी रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद मैं अपना अगला कदम उठाऊंगा। आप परेशान मत होइए माँ। अंजलि अभी तक घर नहीं आई, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। भाई साहब,
अब चिंता मत कीजिए, अंजलि आ जाएगी। जरूर किसी जरूरी काम में फंस गई होगी, इसीलिए इतनी देर लगा दी। सुशीला, कोर्ट शाम को 5 बजे बंद हो जाता है, तब से मैं उसे कई बार फोन कर चुका हूं, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। भाई साहब, आप सब्र रखिए, जरूर से कोई जरूरी काम आ गया होगा, इसीलिए देर हो गई। आ जाएगी अंजलि। सुशीला, तुम मुझे दिलासा दे रही हो ना, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही बता रहा है। देखो, परेशान तो तुम भी कम नहीं हो सुशीला। कभी कभी इंसान के बोल उसका साथ नहीं देते, क्योंकि उसका चेहरा हकीकत बता देता है। अंजलि, आज सब ठीक तो रहा ना? अंजलि, आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा कोर्ट में? जज ने क्या कहा? कोई पैरवी कैसी रही आज? बेटा, जज ने वो वीडियो देखा, क्या कहा उसके बारे में? कोर्ट में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे बेटा, चुपचाप क्या खड़ी है, बोल ना। अरे तो बोल क्यों नहीं रही है, हंस रही है? आप दोनों भी ना एकदम कमाल है। मतलब थोड़ी देर पहले आप दोनों को इतनी टेंशन हो रही थी कि अंजलि अभी तक आई नहीं, वो सही सलामत है या नहीं, उसका फोन भी ऑफ है, और यानी क्या क्या, और मेरे आते ही आप दोनों सब कुछ भूल गए और इतने सारे सवाल खड़े कर दिए। इतने तो मैंने कभी कोर्ट में भी नहीं किए। ठीक है, अब ये बता कि आज का दिन कैसा रहा कोर्ट में? बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था, इसीलिए आप दोनों मुझे फोन कर रहे होंगे और लग नहीं रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। और दूसरी बात ये कि आज विनय सर की वाइफ भी मेरे साथ थी, तो बस उन्हें छोड़ने उनके घर चली गई थी, इसलिए आने में देर हो गई। आज सुनवाई में क्या क्या हुआ? वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। क्या मतलब? पापा, मुझे पता था कि भवानी का परिवार भवानी को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और हुआ भी वैसा ही। अंजलि, साफ साफ बता, यू घुमा फिरा करके मत बोल बेटा, क्या हुआ? चाची, आज जब कोर्ट में उस गन को बतौर सबूत पेश किया गया तो उसमें भवानी की उंगलियों के निशान ही नहीं थे। पुलिस की रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें भवानी के फिंगरप्रिंट्स ही नहीं है। पुलिस ने भवानी की मदद करने के लिए ऐसी रिपोर्ट तैयार की। मुझे पता था कि ऐसा कुछ तो होने ही वाला है। तो फिर क्या हुआ? फिर मैंने जज से कहा कि मैंने खुद अपनी आंखों से भवानी को गन लिए हुए देखा था, और साथ ही ये भी कहा कि मुझे पुलिस की रिपोर्ट्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, लिहाजा अदालत उस रिपोर्ट की खुद जांच करवाए, और अदालत ने मेरी दलील मंजूर कर ली। और उस वीडियो का क्या हुआ? चाची, जब वो वीडियो अदालत में पेश किया गया तो भवानी के वकील ने कहा कि अब अदालत इस वीडियो की भी जांच कराए, तो बस अब अगली सुनवाई उन रिपोर्ट्स के बाद होगी। अब आप दोनों ऐसे खड़े रहेंगे या मुझे कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे भी? चल अंदर चल। चल।
मिस्टर भवानी हार से डर नहीं लगता, ना इंसाफी से डर लगता है। मरूंगी तो लड़के, मैदान छोड़कर नहीं। अंजलि जो कुछ भी कर रही है वो सही कर रही है। अगर उसकी जगह मैं भी होता, मैं भी वही करता जो वो कर रही है। या तो मैं उसे समझा नहीं पा रहा, या तो मेरे समझाने का तरीका गलत है। आज कोर्ट में भी वो कितना गुस्सा थी, उसका गुस्सा होना भी जायज है। वैसे ही वो कितनी परेशान है, और आज उसको घर से बाहर होना पड़ा। कहीं ये सब मेरी वजह से तो नहीं, या कहीं उसका हौसला तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके पीछे कौन हो सकता है? प्रताप भाई साहब या मां? उस दिन जब मैं अंजलि के घर गया था, जो बच्ची खेल रही थी उसने बताया था कि कुछ गुंडे आए थे, कहीं इसके पीछे प्रताप भाई साहब तो नहीं? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अंजलि के बारे में सोच रहे हो ना? यही सोच रहे हो कि अंजलि को बेघर किसने किया? अंजलि को बेघर करने वाला वही शख्स है जिसका नाम तुम्हारे जहन में चल रहा है। प्रताप भाई साहब, दीपिका, तुमको ये सब कैसे पता? दिल की बातें दिल से महसूस की जाती है, तुम नहीं अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ऑनरेबल कोर्ट से हम दोनों पक्षों के वकीलों ने यह मांग की थी कि उंगलियों के निशान और वीडियो की जांच कोर्ट अपनी निगरानी में कराए, रिपोर्ट्स पेश की जाएं।
ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, इस केस की शुरुआत में मिस अंजलि ने कहा था कि वो इस केस की अहम गवाह है, तो मैं उनको कटघरे में बुलाने की आपसे इजाजत चाहता। इजाजत है। ऑर्डर। अदालत ने जो फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट मंगाई है उसके अनुसार उस रिवॉल्वर पर किसी की उंगलियों के कोई निशान नहीं है। मिलोर्ड, ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि भवानी के हाथ में रिवॉल्वर थी। और उसने कोई दस्ताने भी नहीं पहने हुए थे। मिलोर्ड, ये जरूर कोई भवानी की मदद करने के लिए कर रहा है और उसी ने फिंगरप्रिंट्स मिटाए हैं। मिस अंजलि, ये अदालत सबूतों के आधार पर चलती है, भावनाओं के आधार पर नहीं। यहां आंखों देखी और कानों सुनी बात को सच साबित करना पड़ता है। और तभी अदालत उसे सच मानती है। इज दैट क्लियर टू यू? इस वीडियो की जांच अदालत की निगरानी में हुई है और उसका नतीजा यह है कि यह वीडियो एकदम सही है। इसके साथ किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं हुई है। मिलोर्ड, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और फिर यहां तो प्रत्यक्ष को प्रमाण भी मिल गया है। क्लियर है, वीडियो एकदम खरा और सच्चा है। बल्कि डिफेंस ने तो वीडियो की ऑथेंटिसिटी पर भी शक किया था। एट दिस पॉइंट शुड बी नोटेड मिलोर्ड, इस रिपोर्ट से साबित हो जाता है कि सच परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। मतलब साफ है, खून भवानी सिंह ने ही किया है, लिहाजा अदालत भवानी सिंह को आईपीसी धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाए। इस वीडियो को देखकर किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी है, और वैसे भी वीडियो में हाथ में दिख रही गोली चलाते नहीं। इसका मतलब यह हो सकता है कि गोली किसी और ने चलाई। या कोई और भी हो सकता है। मिलोर्ड, कोई जानबूझकर अपने आप को खुद को क्यों फंसाएगा? खुद ही अपने हाथ में गन ले लेगा। अब ऐसा तो कोई पागल या बेवकूफी कर सकता है। और जहां तक हम देख रहे हैं, भवानी तो एकदम स्वस्थ खड़े हुए। डिफेंस की ये दलील निहायत ही बकवास और बेहुदा है। जैसा कोई शख्स है जो मेरे मुवक्किल भवानी जी को फंसाने की कोशिश कर रहा है?
इतनी जल्दी कोई वहां कैसे पहुंचेगा और वीडियो कैसे शूट कर लेगा? ये सब एक सुनियोजित साजिश है, वेल प्लान्ड मर्डर। विनय जी की हत्या कर मेरे मुवक्किल भवानी जी को फंसाने की साजिश। अब बताइए कि इन दोनों का भवानी जी से क्या रिश्ता है? ठाकुर वीरेंद्र सिंह और ठाकुर प्रताप सिंह भवानी सिंह जी के बड़े भाई। मैंने सुना नहीं आपने क्या कहा, फिर से कहिए। बड़े भाई हैं। पॉइंट शुड बी नोटेड मिलॉर्ड। जज साहब, इस केस की शुरुआत में मिस अंजलि ने कहा था कि वो इस केस की अहम गवाह है, तो मैं उनको कटघरे में बुलाने की आपसे इजाजत चाहता। इजाजत है। जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो अंजलि, आप भवानी जी को कैसे जानते? इस सवाल का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। अंजलि जी, इस वक्त आप प्रोसिक्यूशन नहीं है, गवाह है, तो इसलिए आपसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दें ताकि सच अदालत के सामने आ सके। मैंने सही कहा ना जज साहब? जी धन्यवाद। हां तो अंजलि, आप भवानी जी को कैसे जानती हैं? मेरा और भवानी जी का परिवार एक दूसरे को बहुत पहले से जानता है, मैं भी तभी से जानती हूं। बस इतना सा? जी हां। अच्छा, आप ये बताएंगे कि विनय जी किसका केस लड़ रहे थे? विनय सर मेरे लिए ही एक जमीन का केस लड़ रहे थे जिसका विवाद बहुत सालों से चला आ रहा है। और वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे? ठाकुर वीरेंद्र सिंह और ठाकुर प्रताप सिंह। और इन दोनों का भवानी जी से क्या रिश्ता है? मिला और इस सवाल का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है, लेना देना है अंजलि जी। आप बताइए कि इन दोनों का भवानी जी से क्या रिश्ता है? ठाकुर वीरेंद्र सिंह और ठाकुर प्रताप सिंह भवानी सिंह जी के बड़े भाई। सॉरी, मैंने सुना नहीं आपने क्या कहा, फिर से कहिए। बड़े भाई हैं। पॉइंट शुड बी नोटेड मिलॉर्ड। पॉइंट शुड बी नोटेड। बड़े भाई हैं। भवानी जी के परिवार और अंजलि जी के बीच एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा है जिसका केस विनय श्रीवास्तव लड़ रहे हैं। अब भवानी जी से बदला लेने के लिए अंजलि जी ने जाल बिछा है। वैसे आप बता सकती हैं कि आपको वीडियो कहां से मिला? जज साहब, जिस व्यक्ति ने इस वीडियो को बनाया है उसे अदालत में पेश किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जज साहब, इस झंडू वकील को बोलने की क्या जरूरत थी, इसको तो बाद में बताता हूं। आप उसे आशीर्वाद दीजिए, ये केस जल्द से जल्द बंद हो जाए। इस हेतु अगर आपके पास कोई उपाय हो तो हमें बताए। ओम नमो नारायणाय।
शकुंतला, तेरी समस्या का उपाय है।